बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ट्रिपल डैश होल पावर 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डैश होल पावर 1/5। यहाँ पर डैश वाई डैश का मतलब होगा कि वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिनोट करता है। अगर यहाँ पर वाई डबल डैश होता तो ये वाई का दो बार डिफरेंशिएशन डिनोट करता है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर देखें वाई ये ट्रिपल डैश है तो इसका मतलब ये वाई का तीन बार डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम अपना जो गिविन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, वाई ट्रिपल डैश होल पावर 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डैश होल पावर 1/5। ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है और कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक प्रोवाइड कर दें। फिलहाल अभी हम ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पूरे इसमें देख लें कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। वाई का डिफरेंशिएशन हम देख रहे हैं कि ये तीन बार सबसे ज़्यादा किया गया है, यहाँ तो एक बार है यहाँ पर तीन बार है, तो इसलिए 3 times डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैक्सिमम, तो ये वैल्यू मैक्सिमम ऑर्डर जो होता है वो मैक्सिमम ऑफ डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है। लेकिन आप अगर इसको डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए पहला काम तो ये है कि यहाँ पर आपको इन जो रेडिकल्स हैं उनको हटाना होगा, यानी जो पावर अपान में लिखी हुई इसे हटाना होगा। ये पावर इस वाई डैश की और वाई डब ट्रिपल डैश की, इनकी पावर्स जो हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल में हैं, तो इसको आपको होल नंबर में लेके आना होगा। ये एक्चुअल में रेडिकल्स होते हैं, जैसे शर्ड होते हैं। वाई डैश की पावर जैसे कि 1/5 है, इसका मीनिंग हमको मालूम है कि फिफ्थ रूट होगा ये वाई डैश का, तो इसको हमें हटाना होगा, इससे हमें छुटकारा पाना होगा। तो उसको छुटकारा पाने के बाद ही हम इससे हम इसकी डिग्री को बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ कर लें, और यहाँ पर इसको तो हम आसानी से 1/5 को छुटकारा पा सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को अगर हम 5 पावर कर दें दोनों साइड, तो मेकिंग पावर अप टू 5 पावर यहाँ पर कर देते हैं दोनों साइड, तो इस ब्रैकेट की पावर 5 हो जाएगी, यानी वाई ट्रिपल डैश और इसकी पावर है 4/3 प्लस वाई की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पर इस वाई डैश की पावर 1/5 की पावर जब 5 हो जाएगी। यहाँ पर तो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ब्रैकेट ओपन होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होने पर ये कैंसिल होके इसकी पावर 1 आ जाएगी, यानी यहाँ पर से शर्ड हट जाएगा, तो शर्ड से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अभी लेफ्ट में रह जाएगा। और इसमें यहाँ पर दो टर्म है उसकी पावर 5 है, इसका पावर 5 को ओपन करने के लिए जो ट्रिक है इसको भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दें। फिलहाल आपको इस फार्मूले को a प्लस बी की पावर 5 हो वो याद कर लीजिए। तो a की पावर सबसे पहले 5 होगी, फिर इसमें कोएफिशिएंट 5 आएगा, और इसमें a की पावर 1 कम कर दीजिए, यानी 5 तो 4, b की 1 पावर बढ़ा दी, यहाँ पर b की पावर 0 थी, अब a की पावर 1 1 घटती जाएगी, b की बढ़ती जाएगी, लेकिन कोएफिशिएंट इसका 10 हो जाएगा। ये 10 कैसे होगा, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दें उस वीडियो को, लेकिन अभी वीडियो हमने उसको बनाया नहीं है। तो a टू द पावर 3 एक कम हो जाएगी यहाँ से, और b की 1 पावर बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखेंगे, इसमें भी कोएफिशिएंट 10 होगा, और a की पावर इसमें 5, 4, 3 और ये आपकी 2 रह जाएगी, b की पावर 0, 1, 2 और ये 3 हो जाएगी।
ऐसे ही ए की पावर कम करते रहें, बी की पावर बढ़ाते रहेंगे, तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो लास्ट में ये जो पावर्स है वो हो जाएगी प्लस 5 आएगा आपकी, यानी इस तरफ से आएगा 10 ये हो गया 5 है, तो ये 5 हो गया और ए की पावर आपकी रह जाएगी 1 और बी की पावर हो जाएगी 4। लास्ट टर्म होगा इसमें 5 के बाद यहाँ कोएफिशिएंट 1 वाला आ जाएगा, इसमें ए की पावर 0 हो जाएगी जो 1 होता है और बी की पावर अगेन 5 हो जाएगी। तो इस हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इस आइडेंटिटी के यूज़ से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है, तो इस आइडेंटिटी के यूज़ हमें करना है इसको ए समझते हुए और इसको बी समझते हुए, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसकी पावर 5 हो जाएगी, यानी वाई ट्रिपल डैश उसकी पावर 4/3 उसकी पावर हो जाएगी 5। फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम, ध्यान दें। फिर आता है यहाँ पर 5 आता है, 5 ए टू द पावर 4 बी आता है, तो प्लस 5 वाई डबल डैश ट्रिपल डैश सॉरी उसकी पावर है 4/3 ए है, उसकी पावर हमें करनी है 4 करनी है और वाई की पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस 10 होगा कोएफिशिएंट, यानी हम इस वाले टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसको अप्लाई करेंगे तो वाई यो ट्रिपल डैश की पावर 4/3 है, इसकी एक पावर कम कर देंगे यानी 3 के बाद 4 के बाद 3 आएगी, इसकी 1 थी तो आपकी हो जाएगी ये पावर 2 हो जाएगी। फिर हम इस कोएफिशिएंट की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे इस वाले की ए स्क्वायर और बी थ्री, ये वैल्यू कोएफिशिएंट 10 रहेगा, वाई ट्रिपल डैश की पावर जो होगी वो 4/3 है और उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 3 के बाद 2 हो जाएगी और वाई की पावर 2 के बाद 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस का 5 टाइम्स ए बी टू द पावर 4, तो उसको लिखेंगे ए मीन्स हेयर वाई ट्रिपल डैश 4/3 एंड होल पावर 1 है, 1 इज नॉट नेसेसरी टू राइट हेयर, वाई टू द पावर 4 एंड लास्ट टर्म इज वाई बी टू द पावर 5, बी टू द पावर 5 हेयर वी इज वाई, सो वी मस्ट राइट वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था वो सारा कुछ हो गया माइनस, उसके बाद इसमें ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर, ये हमारे पास टाइम है इसलिए राइट हैंड साइड में हम डिटेल में बता दें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में बहुत काम बाकी है। ब्रैकेट ओपन यहाँ पर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ डायरेक्ट कर देंगे वाई ट्रिपल डैश की पावर हो जाएगी 20/3 हो जाएगा प्लस 5 टाइम, ऐसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसका भी इनटू हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स वाई ट्रिपल डैश की पावर हो जाएगी 16/3 इनटू वाई और प्लस फिर ऐसे लिखेंगे 10 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश की पावर 12/3 एंड वाई स्क्वायर और उसके बाद फिर ऐसे लिखेंगे प्लस 10 ऐसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8/3 और ये वाई क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम इसे तो बिना ब्रैकेट के ही लिख देंगे प्लस 5 टाइम्स वाई ट्रिपल डैश की पावर 4/3 और इसकी 1 ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, वाई की पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5 और राइट हैंड साइड में माइनस वाई डैश की पावर 1 बचेगी, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर कुछ टर्म को साथ साथ लिखेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं जिसमें कोएफिशिएंट 5 है, इन टर्म को क्योंकि पावर ये थोड़ा
कॉमन आसानी से मिल जाएगा इनमें। और फिर इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म आया था, इसमें हम कैंसिल कर सकते थे थ्री से थ्री को, चलिए कोई बात नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर फोर पावर आ जाएगी और इसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है। प्रॉब्लम से इनमें बनी हुई है, जिनमें प्रॉब्लम बनी हुई है इनको हम एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। और इसमें भी हम इस तरीके से करें ताकि आगे फार्मूला अप्लाई करने के बाद, कोई आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये जल्दी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम इन दोनों टर्म्स को साथ साथ लिख देंगे, पास पास लिख देंगे, और इन दोनों टर्म्स को, यानी एक तो हम इस टर्म की बात कर रहे हैं और दूसरे इस टर्म की बात कर रहे हैं, इसको हम साथ साथ और पास पास लिख देंगे। पहले हम लिख लेते हैं इनको, पहले इन दोनों टर्म को, फिर इन टर्म्स को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इस टर्म को और इस वाले टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं। जो प्रॉब्लम करने वाले चीज़ है उससे हमें ज़्यादा मतलब रहेगा कि उसको कैसे छुटकारा पाया जाए। तो हम यहाँ पर लिख दिया 5y की पावर 3। हमारे लिए प्रॉब्लम का मतलब है जो शर्ड हैं, जो पावर फ्रैक्शनल है, उस पावर से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 कोएफिशिएंट वाले जो दूसरा टर्म बचा हुआ उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर आ जाए, होल नंबर में आ जाए, तो इन दोनों टर्म्स को हमने अलग कर दिया है। ऐसे ही फिर बचे हुए जो प्रॉब्लम इसमें हो रही है वो ये है, यहाँ तो 4 पावर आ गई, 12 को 3 से कैंसिल किया 4 आ गया। इन दोनों टर्म को साथ साथ लिख लेते हैं। तो इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, किसी को भी लिखा जा सकता है, प्लस 10 × ((3)) / 8³ × (y³) एंड प्लस, फिर हम इस वाले टर्म को यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो कि हमें सबसे बड़ी पावर यहाँ पर नज़र आ रही है y" की, और उसमें पावर है 20/3। और बाकी जो बचा हुआ है इसको लिखेंगे 10y की पावर, ये 4 हो जाएगा, प्लस का 10y" की पावर 4, और उसके साथ में y² का मल्टीपल चल रहा है तो इस टर्म को हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद इस टर्म को लिख देंगे प्लस y² राइट हैंड साइड में माइनस का y'। फिर उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन भी नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर y² है यहाँ पर y पर, उसके बाद 4y³ को इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। कॉमन y भी मिल रहा है, लेकिन हमें जैसा कि मकसद है इसको रेशनलाइज बनाने के लिए फ्रैक्शनल हटाना है, तो बचेगा यहाँ पर 5 × (y⁴) प्लस 5y बचेगा, ये y को पहले लिख दिया, और y² ये 16 में से ये 4/3 माइनस होगी, यानी 16 में से जब हम डिवाइड करेंगे 16 में से 4/3 माइनस हो जाएगी, तो ये 12/3 बचेगी, जो कि 4 के इक्वल आ जाएगी। तो वही 4 पावर यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ये को क्लोज़ कर दें। अब ऐसे इन दोनों टर्म में कॉमन आ रही पावर, प्लस का टर्म साइन लगा दें, y³ ((8)³) को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 10 बच रहा है और ये पूरा बाहर हो चुका है, y³ बच रहा है, प्लस अब बस इसी में से, यानी 20/3 में से माइनस करना है 8/3 पावर को, क्योंकि उन्होंने कॉमन लिया था, तो इसमें से माइनस करेंगे 12/3, ये दोबारा से 4 के इक्वल आ गया, तो 4 पावर को लिख देंगे इस ब्रैकेट में। तो y" इससे ये फ़ायदा हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो नज़र आ रहे हैं वो पावर होल नंबर में आ गई, प्रॉब्लम अब सिर्फ बाहर रह गई है, उनसे हमें छुटकारा पाना है। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इन टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने पर ये माइनस का, जिस तरीके से हमारा y' है ऐसे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 10 टाइम्स
ये वाला टर्म भी माइनस हो जाएगा। पहले ये लिख लेते हैं वाई टेबल डैश होल पावर फोर वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई की पावर फाइव। इसका आगे चल के हमें यूज़ करना होगा, इसलिए हम इसे इस वैल्यू को यानी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर कुछ डाल देते हैं, वन डाल देते हैं ताकि इसको हम बाद में बुला सकें, क्योंकि अब हम ही करने जा रहे हैं ये इस पूरी वैल्यू को ए कंसीडर करें और इस पूरी वैल्यू को बी कंसीडर करें और फिर यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं इस फार्मूले को, इस आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी आपको मालूम ही है ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का इसी फार्म में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हालांकि इस ब्रैकेट को ओपन करके भी यूज़ करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू में नज़र आ रही, क्योंकि आप अगर थोड़ी देर के लिए इसको अगर ए लेट कर लें इसको बी लेट कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप अगर प्रॉब्लम हो तो इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें और दो साइड क्यूब कर दें। यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट क्यूब करेंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर दो टर्म है, देयर आर टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए एंड बी, इन अप्लाई दिस आइडेंटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट क्यूब। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पर ये हट जाए शॉर्ट हटाने के लिए। जब इसका होल आप क्यूब करेंगे तो इसका जब क्यूब होगा तो थ्री पावर हट जाएगी, वाई टेबल डैश इसकी पावर फोर आ जाएगी सीधे। ये हमारे यही प्रॉब्लम खड़ी करता है, और उसका क्यूब हो जाएगा वो हमारे लिए कोई अहमियत ज़्यादा नहीं रखेगा, लेकिन हमें इसका क्यूब करना होगा क्योंकि पूरे टर्म का हम कर रहे हैं होल ऑफ क्यूब। बस ए क्यूब हो गया, अब करना है बी क्यूब। बी क्यूब में इसका क्यूब करेंगे तो पान वाला थ्री हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा वाई ट्रिपल डैश की पावर एट और टेन वाई क्यूब प्लस वाई पावर फोर, ये होल पावर थ्री हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस थ्री ए बी, तो प्लस थ्री ए, ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है। अब इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो ये इंटू ही चल रहा है इनके साथ, तो इनका इंटू जब करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे इसमें, तो हम दिखा भी देते हैं इसको, वाई ट्रिपल डैश की पावर फोर बाई थ्री और ये एट बाई थ्री, और ये आसानी से रेशनलाइज यानी होल नंबर में आ जाएगी पावर। और ना सिर्फ इनका इंटू हो रहा है बल्कि इन ब्रैकेट्स का भी इंटू हो रहा है, और वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला क्योंकि प्रॉब्लम मेन अब भाई की पावर जो थी, जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी उसमें थी, और वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। हम इनको लिख लेते हैं वाई के फाइव वाई की पावर फोर प्लस फाइव बाई वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर, और ये बचा हुआ फैक्टर यानी इन दोनों का इंटू किया था तो ये पोर्शन, ये भी फैक्टर्स थे वो तो हमने यहाँ पर कलेक्ट कर दिए, बाकी ये रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका ये बचा ये लिख दिया और रिमेनिंग फैक्टर ऑफ दिस टर्म इज़ मल्टीप्लाई हेयर टेन वाई क्यूब प्लस वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर, तो ये यहाँ पर अभी सिर्फ हमारा इतना आया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स अभी थ्री ओनली वी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वी रीच एट दिस स्टेज थ्री ए बी, नाउ वी हैव टू राइट दिस वैल्यू ए प्लस बी, सो सम ऑफ दिस टू लास्ट ए प्लस बी इज इन इक्वेशन नंबर वन, दिस सम इज आल्सो इक्वल टू दिस। सो हम इस इनको ना लिख के इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन दिस, वी कैन राइट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। सो इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर वन डाला था ताकि यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है ए प्लस बी वाली वो यहाँ पर ये लिख दे, माइनस वाई डैश माइनस टेन वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर, और यहाँ पर कहीं पर भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रही है किसी भी इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर। और ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई, इनका हमने क्यूब ओपन कर अप्लाई कर दिया। अब यही हम क्यूब जो है राइट हैंड साइड में कर लेंगे, तो इक्वल टू माइनस वाई डैश माइनस टेन टाइम्स पूरा वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर फाइव होल पावर यहाँ पर थ्री। अब हम इसमें थोड़ा सा ये सॉल्व करके दिखा देंगे कि सारी रेशनलाइज बन चुके हैं, मतलब सभी होल नंबर में पावर आ चुकी, कोई भी फ्रैक्शनल पावर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए इन टर्म्स को लिखना पड़ेगा। और ये पावर कितनी हो जाएगी, यानी फोर बाई थ्री प्लस एट बाई थ्री एलसीएम जो कि सेम है, फोर बाई थ्री प्लस एट बाई थ्री एलसीएम सेम है, तो ये इनको ऐड कर देंगे ट्वेल्व बाई थ्री, यानी ये पावर फोर आ जाएगी। बस फोर करना बाकी, तो ऐसे लिख देते हैं वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर फाइव टाइम्स वाई की पावर फोर प्लस फाइव वाई वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर और ये पावर थ्री प्लस वाई ट्रिपल होल पावर एट टेन वाई क्यूब प्लस वाई ट्रिपल होल पावर फोर क्यूब एंड प्लस थ्री वाई की पावर, अभी देखा था ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू वाई ट्रिपल डैश की पावर हो जाएगी फोर एंड दिस ब्रैकेट फाइव वाई की पावर फोर प्लस फाइव वाई वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर दिस फैक्टर टेन वाई क्यू प्लस वाई ट्रिपल डैश होल पावर फोर और मल्टीप्लाई वाई दिस वैल्यू माइनस वाई डैश माइनस टेन टाइम्स वाई ट्रिपल डैश की पावर फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर फाइव। और जो राइट हैंड साइड में है इसको एज इट नोट कर देंगे, माइनस वाई डैश माइनस टेन टाइम्स वाई ट्रिपल डैश की पावर फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर फोर, लेकिन इस ब्रैकेट की जो पावर है वो थ्री है। तो हम अब कहीं पर भी ये फ्रैक्शनल पावर नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके कोएफिशिएंट पर, तो हम यहाँ पर डिग्री को कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए, होल क्यूब ओपन करें पहले और इसका भी मल्टीप्लाई हर एक टर्म में कर दें, और साथ ही साथ फिर ये जो है प्लस इसका होल क्यूब करें इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही दोनों इन सबका इंटू कर दें, इन सभी फैक्टर्स का आपस में इंटू कर दें, और फिर इसके बाद हम अपने डिग्री देखें कि सबसे बड़ा जो ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, वही डिग्री हो जाएगी। लेकिन इतना करेंगे तो वैसे भी हम लोग बहुत कैलकुलेशन करके आए हैं, तो इतना नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका डिग्री यहाँ पर अब लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में कर लेंगे। क्योंकि देखें y की जो सबसे बड़ी इस ब्रैकेट में y की जो सबसे बड़ी डिग्री मिलेगी वो 12 मिलेगी, क्योंकि जब हम क्यूब करेंगे इसमें जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो y जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो थ्री ऑर्डर के, इसकी पावर 12 मिलेगी, और 12 यहाँ से और जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 12 और 4 तो ये 16 हो जाएगी, यानी इस ब्रैकेट की जो सबसे बड़ी पावर है वो 16 है, 16 पावर है इसकी। लेकिन हम इस ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ तो 8 पावर ये है, और ये यहाँ पर अगेन एक क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब अप्लाई करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे हायर ऑर्डर का, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जब क्यूब किया जाएगा तो 12 पावर हो जाएगी, 12 और 8 दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 12 और 8 जब ऐड हो जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से 20 मिलेगा, और यही सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देख लीजिए इसकी जो डिग्री होगी 20 हो जाएगी, और क्योंकि अगला टर्म देख रहे हैं इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, तो 4 जब इंटू होगा तो ये 4 8 हो जाएगा, और जब इसका इंटू इस वाले में होगा तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और इसका इंटू जब यहाँ पे होगा तो 12 में 4 है 16 हो जाएगा, यानी इस वाले टर्म में जो हाइएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी वो 16 होगी,
और राइट हैंड साइड में जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी 4 3 12 होगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो डिग्री है वो हाईएस्ट ऑर्डर की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 20 है, जो कि इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म में होगा होल ऑफ क्यूब करने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जब क्यूब करेंगे तब उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हाईएस्ट डिग्री 20 है। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमें पता चल गई 20 है। तो कभी किसी बुक में गलती से अगर 60 लिखा है तो उसको करेक्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।